मैं इस प्रेस वार्ता में पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ। और ये जो आज प्रेस में जो विषय रखा जा रहा है वो महिलाओं के ऊपर है, जो जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने इलेक्शन के टाइम में जो गारंटियाँ दी थी उसमें जो पांचवी गारंटी थी महिलाओं से जुड़ी हुई विषय था उसमें, तो उसमें हर महिला को जो है वो 1500 रुपए देने का वादा किया है। तो हमारे पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहाँ गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, MSP दिया गया, यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद, वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने महिलाओं को जो 1500 रुपए की गारंटी दी है, महिला सम्मान निधि योजना, वो 18 से 80 साल की महिलाओं को दिया जाएगा। तो मैं महिलाओं को इसमें जो महिलाएं पात्र होंगी वो महिलाएं जो है अपना बोनोफाइड जो है लोक मित्र केंद्र में बनवाएं और जल्दी से जल्दी जो फॉर्म हमारे पास आए हैं उन फॉर्मों को फिलअप करें और तहसील कल्याणकारी अधिकारी के पास जमा करवाएं। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो पहली गारंटी थी OPS बहाली का, सबसे पहले आते ही सरकार में आते ही उन्होंने OPS बहाली का जो है वो गारंटी, पहली गारंटी पूरी की। उसके बाद उन्होंने जिसका कोई नहीं उसका हमारे सुक्खू भाई जी जिन्होंने सुख आश्रय योजना का शुभारंभ किया था, वो सुख आश्रय योजना का शुभारंभ किया था उसके लिए जो जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं उनको जो है हर घर में जो जो भी बच्चे होंगे उनको 4000 रुपया हर मंथ जो है वो दिया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है क्योंकि जो जिनके माँ बाप नहीं होते थे उनका कोई भी नहीं होता था, ये जो सबसे पहले जो काम किया सरकार बनते ही उन्होंने सुख आश्रय योजना का जो शुभारम्भ किया है, ये हम प्रदेशवासियों के लिए बड़े ही गर्व का विषय है। उसके अलावा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पंचायत के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया 500-500 रुपये जो है हर उसमें जो मानदेय बढ़ाया, ये भी उनके सबसे बड़े विशाल हृदय का सबूत है। उसके अलावा मैं अपने देहरा की बात करना चाहती हूँ। देहरा में उन्होंने जू का जो है वो उद्घाटन किया, तो इसमें जो है वो जिसमें 300 करोड़ का जो है वो बजट दिया गया है और इसमें पर्यटन की जो है अपार संभावना जो है यहाँ पर बढ़ेगी और हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं उनको रोजगार के साधन मिलेंगे। साथ ही मैं मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योद्धा की तरह हैं और योद्धा की तरह ही एक कार्य कर रहे हैं हर घर में, और ये पूरे 5 साल जो हैं जो 10 गारंटियाँ दी हैं वो पूरे 5 साल में जो पूरी करेंगे और लोगों का पूरे हिमाचल के लोगों का साथ जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ है और रहेगा और सारी गारंटियाँ जो हैं वो पूरी होंगी। इसी के साथ ही मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ।